हेलो गाइस, मैं अभय प्रताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको वाई लेटर से सबसे आसान तरीके से गर्ल का चित्र बनाना सिखाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपको करना क्या होगा, आपके पास अगर मार्कर पेपर पेंसिल जो भी है आपके आसपास, आप उठा लीजिए दोस्तों और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए, आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर एक ऐसे वाई लेटर लिखना होगा। ये हो गया हमारा वाई लेटर। वाई लेटर लिखने के बाद ध्यान से देखिएगा, आपको ऊपर के साइड में एक यू लेटर लिखना होगा। बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपने अभी तक नहीं देखा होगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा देंगे। फिर आपको ये जो हमारा वाई वाला नीचे वाला हिस्सा है, इसके आगे की तरफ छोटी सी लाइन ड्रॉ करिए, फिर इसको ऐसे अंदर की तरफ, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आप इस तरह से रिपीट कर दीजिएगा। रिपीट करने के बाद अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हुए इसको हमें इस वाले वाई के नीचे वाले हिस्से के साथ मिलाना होगा। इसी तरह सेम प्रोसेस आप इधर भी रिपीट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप ऐसे मिला दीजिएगा। अब आपको इसको भी थोड़ा सा यहाँ से डबल करना होगा, इधर भी हम ऐसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको इधर एक छोटा सा हाफ सर्कल बनाना होगा, एक ऊपर के साइड में बनाइए, इसी तरह नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, आप यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे हाफ सर्कल बनाते जाइएगा और नीचे के साइड में हल्का सा वी शेप में करते हुए, जैसे हम लिप्स बनाते हैं उस तरह आप यहाँ पे बना देंगे। बनाने के बाद दोस्तों, अब आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब आपको यहाँ से हल्का सा हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, इसको हल्का सा टच करते हुए इसको हमें बाहर की तरफ यहाँ तक ऐसे ले जाना होगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा, हल्का सा टच करते हुए इसको बाहर की तरफ कर दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हमें नीचे के साइड में ले जाना होगा, इधर भी आप ऐसे नीचे के साइड में ले जाइएगा। थोड़ा सा इसको और हम नीचे के साइड में कर देंगे, यहाँ पे भी हम ऐसे नीचे के साइड में कर देंगे। अब आपको एक बड़ा सा हाफ सर्किल बनाते हुए इसको ऊपर के साइड में मिलाना होगा दोस्तों। अब आप इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ से ऐसे डबल कर दीजिएगा, इधर भी हम ऐसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद दोस्तों, अब यहाँ से एक सीधी लाइन नीचे के साइड में ड्रॉ करिएगा, इसको हम ऐसे डबल कर देंगे। इधर भी सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना होगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिएगा, अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे 3 नंबर लिखिएगा, फिर आगे की तरफ छोटे छोटे हाफ सर्कल बनाते हुए उसको हमें यहाँ तक बढ़ा देना होगा। बढ़ाने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ से दोस्तों आपको करना क्या है, एक लाइन नीचे की तरफ ऐसे ले जाना होगा। इधर भी आपको यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ ले जाइएगा, बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ पे एक हाफ सर्कल बनाइए, एक हाफ सर्कल इधर बना दीजिएगा। अब देखिएगा, एक सीधी लाइन, फिर आगे फिर सीधी लाइन, फिर यहाँ पे ऐसे सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करते जाइएगा। नीचे की साइड में 1 2 3 लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। 3 लाइन ड्रॉ करने के बाद अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब आपको करना क्या है, यहाँ से भी आपको इससे छोटी छोटी लाइनें बहुत ही सावधानीपूर्वक ड्रॉ करना होगा। तो दोस्तों चलिए, अब हम इस गर्ल को पेंसिल या मार्कर की हेल्प से शेड देना शुरू करते हैं।